जान छुटी थी उस मनुष्य से, और फिर उसी का तस्करा शुरू हो गया इस घर में। बीवी की कोई परवाह नहीं है, जिए या मरे, अपने कौन सा परवाह है उन्हें। क्या करूं, कैसे समझाऊं, जालिम और बदबخت लोग हैं, इनको नुकसान पहुंचा देंगे, इन्हें समझ क्यों नहीं आता, खुद अपने लिए मुश्किलें जमा कर रहे हैं। शरीना, खुद से बैठी बातें किए जा रही। इंसान जब तनहा होता है तो खुद से ही बातें करता है। आपके पास वक्त है मेरी बात सुनने के लिए, मेरी तकलीफ पूछने के लिए फुर्सत है आपको? अब ये भी शिकायत है तुम्हें मुझसे? मेरी मजाल जो मैं शिकायत करूं, मेरी शिकायत की परवाह है किसको? इस घर में सबको सिर्फ और सिर्फ अलीजे की तो परवाह लगी हुई। हाँ तो क्या तुम्हें फिक्र नहीं है अलीजे? है मुझे उसकी फिक्र, मगर मेरे परेशान होने से क्या होगा राही? पर अलीजे कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, किसी ने भी उस पर दबाव नहीं डाला, उसने खुद अपनी मर्जी से इस निकाह की हामी भरी थी, तो जाहिर कुछ सोच समझ कर ये फैसला किया होगा ना उसने। क्या अलीजे के पास कोई दूसरा ऑप्शन था? जाहिर है कि उसने मुझे बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। और मैं नहीं चाहता कि अलीजे उस गुनाह की सजा भुगते जो गुनाह उसने किया ही नहीं। क्या तुम नहीं चाहती कि अलीजे वापस इस घर आ जाए? चाहती हूँ, बिल्कुल चाहती हूँ कि अलीजे वापस आए। को पता है टीजे का ये सब करने से मेरे दिल पर क्या गुजरी है? मगर जो उसका और पप्पू का फैसला था उसके आगे, बहरहाल आपने जो सोचा है वो भी इतना आसान नहीं है। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप एक दफा अलीजे से पूछ जरूर लें, क्या वो ये खुला चाहती भी है या नहीं।